कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी की जीत की तैयारियों को लेकर सिविल लाइन स्थित एक होटल में बैठक किया, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश यादव ने किया। बैठक में पार्टी द्वारा बांसगांव लोकसभा सुरक्षित क्षेत्र से घोषित लोकसभा के प्रत्याशी को विजय दिलाने के लिए आपस में विचार विमर्श किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश यादव ने कहा, लड़े किस तरीके से हम रणनीति बनाए, हम ज्यादा से ज्यादा मत पाए, हम अपने प्रत्याशी की जीत हासिल कर सके, इन सब मुद्दों पर आज हमारे बांसगांव लोकसभा के समस्त पदाधिकारी और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सारे लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। ऐसी रणनीति हम लोग बनाएंगे, मिल के बनाएंगे। आज यहाँ बुलाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि सबकी राय को लेकर एक ऐसा राय बनाया जाए जिसमें हर लोगों की उपस्थिति दर्ज हो, हर लोग ये सोचे कि ये मेरी राय जो है ये माना गया, मेरी चीज़ों को माना गया। इसी तरीके से हमारे राष्ट्र और जो आज हमारा बना हुआ है वो आपको दिखाई देगा कि हम लोग भी उसी आचरण को जो है सीखते हुए अपने लोगों के बीच में बैठ के कि किस तरीके से हम रणनीति बनाया जाएगा, जिस तरीके से हम चुनाव लड़ते हुए। बोलिए अध्यक्ष जी, आप बताइए। आज हम बांसगांव लोकसभा से समस्त अपने जिले के पदाधिकारी कर और समस्त ब्लॉक अध्यक्ष और कांग्रेस की नीतियों में और सिद्धांतों में विश्वास रखने वाले वरिष्ठ कांग्रेसजनों को आज यहां बुलाए हैं। हम लोग एक रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से हम बांसगांव लोकसभा से ज़्यादा मत प्राप्त करें, हम वहाँ से अपने प्रत्याशी को विजय हासिल दिलावें, ताकि देश की एकता और अखंडता कायम रह सके, ताकि देश का संविधान कायम रह सके, तो ताकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सके। इसी उद्देश्य के तहत आज हम यहाँ समस्त कांग्रेसजनों को बुलाकर एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से हम बांसगांव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे।